पब्लिक टीवी आपकी आवाज। माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ समिति के तत्वावधान में चल रहे कार्यक्रम के तीसरे दिन महायज्ञ और भंडारे के साथ संपन्न हो गए। अंतिम दिन का आरंभ भी श्री परिवार के पीठाधीश्वर श्री कृष्णा स्वामी जी ने माँ पीताम्बरा बगलामुखी की आराधना से किया। कृष्णा स्वामी ने माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ आरंभ कराया। इनके सहयोगी पंडित आचार्य कमलेश मिश्र, पंडित तेज नारायण मिश्र, यश पांडे और विशेष शुक्ला ने यज्ञ में आहूतियां दिलवाई। श्रद्धालुओं ने आहूतियां देकर विश्व कल्याण और सुख समृद्धि की कामना की। महायज्ञ में औषधीय सामग्री का प्रयोग किया गया। मुख्य यजमान महेश बंसल और मधु बंसल और यजमान शरद सिन्हा, के गुप्ता, गोपाल मिश्रा, दीपक सक्सेना, कांति गर्ग और राजेश मिश्रा रहे। श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने के कारण उनकी अलग अलग टीम बनाकर आहूतियां दिलवाई गईं। महायज्ञ की गंध से पूरा पंडाल ही सुगंधित हो गया। महायज्ञ पूर्ण होने पर आरती के बाद माता को भोग लगाया गया और कन्याएं जिमाई गईं। अंत में भंडारा आरंभ किया गया। बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। आखिर में पीठाधीश्वर माँ पीताम्बरा बगलामुखी देवी की प्रतिमा के साथ नोएडा रवाना हो गए। व्यवस्था में सिद्धार्थ अग्रवाल, अभिषेक शर्मा, बीएन यादव, सुधीर श्रीवास्तव, नरेश सक्सेना, विकास ममगई, संजय गुप्ता, अवनीश सक्सेना, दिनेश अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, जयदेव यादव, सुभाष दिवाकर, सुरेंद्र अग्रवाल के साथ और भी लोग शामिल रहे। और आज का जो यज्ञ हो रहा है, सबसे बड़ी प्रसन्नता ये है कि ये जो यज्ञ है ये औषधि युक्त यज्ञ है। इस तरह से यज्ञ अगर संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण विश्व में प्रारंभ हो जाए तो इस तरह के वायरस इस देश में कदापि नहीं आएंगे, क्योंकि यज्ञों का सहारा था और महर्षि वशिष्ठ जी ने इस यज्ञ के विधान हमको दिए हैं। इसलिए नित्य यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ से विषाक्त कीटाणु मर जाते हैं और वायु शुद्ध होता है, इसलिए भी यज्ञ करना चाहिए। माता रानी सबको आशीर्वाद दे, पुष्प आशीर्वाद दे, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। तन मन धन से सबने सहयोग किया है, मेरे तरफ से सबको आशीर्वाद है, मैया सब पे आशीर्वाद बरसाया करें, यही मेरी इच्छा है। ये कार्यक्रम की भव्यता इसी बात से हम लोग प्रतीत होती है कि हम 3 दिन से महायज्ञ का कार्यक्रम कर रहे हैं और ये हमने महायज्ञ औषधि युक्त यज्ञ किया है। इसमें विभिन्न यज्ञों में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ और आयुर्वेदिक औषधियाँ समर्पित की गई हैं, जिससे हमारे देश में और महानगर में जो बैक्टीरिया प्रदूषण और आबोहवा खराब हो रही है उससे सुधार हो जाए और इससे बैक्टीरिया समाप्त हो जाए। इस बार 3 दिवसीय कार्यक्रम रहा, हर बार एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होता है। कोविड-19 के मद्देनजर सोशल डिस्टेंस का पालन किया है। साधन प्रसाधन के निर्देशों का पालन करते हुए हमने सुविधा प्राप्त की। उन सभी का धन्यवाद, राजुवाद और बहुत बहुत आभार सभी का, आने वाले भक्तों का और जो रहे जिन्होंने यज्ञ किया, जिन्होंने महायज्ञ में भाग लिया वो भी धन्यवाद के पात्र, सभी जिन्होंने इस कार्यक्रम को सहयोग किया सभी धन्यवाद। माता रानी के आशीर्वाद से बहुत ही सुंदर और भव्य कार्यक्रम हुआ है, जिसमें सभी भक्तजनों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर इसमें अपना तन मन धन से योगदान किया और इस आपदा के समय में जो महामारी आई हुई है उसके लिए, उसके समाप्त करने के लिए सबने ही आहुति डाली है। मैं यही कहूँगा, भगवान सबको स्वस्थ रखे और सफल हो, अपनी अपनी मनोकामनाएं सबकी पूर्ण हो, बस यही मेरी माता रानी से विनती है। कोरोना काल के बाद में सबसे पहला ये यज्ञ है जो हम लोगों ने करा और ये बहुत सफल यज्ञ रहा। भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और सबको स्वस्थ रखें, यही प्रभु से प्रार्थना है, हम माता से प्रार्थना है। कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा और बहुत ज़्यादा आनंद आया। बगलामुखी माता जी का सबको आशीर्वाद, सबको नमस्कार। यज्ञ का आयोजन सबको सुख देने के लिए होता है, आओ हवा को चेंज करता है, इसीलिए हर 6 महीने बाद ये यज्ञ कराया जाता है और इसमें सभी लोगों की आहुति दी जाती है, जिससे सर्व मंगल हो, सब खुश हों, सब खुशहाल हों और यही हमारी कामना रहती है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।